खुदा के स्कॉलर्स, उनके लिए दो बातें। पहली बात तो ये है कि हमें साफ नज़र आ रहा है कि आप तालीम के मैदान में एक्सेल कर रहे हैं, एहसान के दर्जे पे पहुँचे हुए और इस तरह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। एक चीज़ ज़रा मेरी तरफ से लिख लें कि तालीम के साथ साथ अपने किरदार को बुलंद करना है। मैं समझता हूँ कि अल्फाला स्कॉलरशिप के प्रोग्राम का भी असल काम सिर्फ ये नहीं है कि आप तालीम हासिल करने के बाद दूसरों को तालीम दिलवाएं और उनमें मुआविन साबित हों, बल्कि असल काम ये है कि ये उम्मत अपने असल हैसियत से गिर गई है। उम्मत को अपने असल हैसियत पे लाने की ज़रूरत है। दुनिया की और इंसानियत की इमामत उम्मत मुस्लिमा के हाथ में आने के लिए आपकी तगुदो हो और इस उम्मत को, उम्मत मुस्लिमा को दुनिया का इमाम उम्मत बनाए। आपका ताल्लुक किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी ज़िले से और तालीमी इदारे में आप पढ़ते हो, बहरहाल हमारा आपके साथ जो हमारी नस्बत है, रिश्ता है, वो यही सर्व ह्यूमनिटी वाले कंसेप्ट के तहत कि हमने यानी अलखिदमत ने और आपने मिलकर किस तरह उन तमाम तबकात की हमने हेल्प करनी है कि जो इस इंतज़ार में है कि कोई इंडिविजुअल और कोई इदारा आए और उनके साथ तावन करे। आज से आप तमाम हमारे अलखिदमत के वॉलंटियर भी हैं। हम चाहेंगे कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा, पूरे पाकिस्तान में आपकी सलाहियतों से हम इस्तिफादा करें। अलखिदमत पाकिस्तान ने तालीम की अहमियत को, उसकी नज़ाकत को समझते हुए अपने इस अलफला स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है। मैं अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह अलखिदमत पाकिस्तान का ये लगाया हुआ पौधा न सिर्फ हमारी अपनी इनफरादी ज़िंदगियों के अंदर इनकलाब बरपा होने का बाइस बनेगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह इसी अलफला स्कॉलरशिप से गुजरने वाले तलबा पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे।